नवरात्र पर श्रद्धालुओं के द्वारा माता जगत जननी के विभिन्न रूपों की 9 दिनों तक पूजा अर्चना कर आज विजयदशमी के दिन नम आंखों से विदाई दी गई। गौरतलब है कि नौरोजाबाद नगर के सभी दुर्गा समितियों के द्वारा रामलीला मैदान में विसर्जन चल समारोह के लिए माँ दुर्गा की प्रतिमाओं का एकत्रीकरण किया गया, जहाँ विधायक शिव नारायण सिंह के द्वारा मूर्ति विसर्जन चल समारोह को हरी झंडी दिखाई गई। तत्पश्चात नगर के रामलीला मैदान से माँ दुर्गा की प्रतिमाओं का ऐतिहासिक चल समारोह 4 बजे शाम को प्रारंभ हुआ। माता रानी का विसर्जन चल समारोह रामलीला मैदान से प्रारंभ होकर नगर के विभिन्न मार्गों पीपल चौक, बस स्टैंड 5 नंबर, इंदिरा चौक, मुंडी खोली, बाजार पूरा होते हुए नगर परिषद द्वारा जोहिला नदी के किनारे बनाए गए विसर्जन कुंड में सभी प्रतिमाओं का विसर्जन वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया गया। माँ जगत जननी के चल समारोह को सफल बनाने में शासन प्रशासन की व्यवस्था चाक चौबंद रही। सारा शासन प्रशासन के तय गाइडलाइन के अनुसार यहाँ पे चल समारोह संपन्न हुआ, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं शासन प्रशासन की तरफ से? इसमें हम लोगों के द्वारा पहले तो सभी समितियों के साथ शांति समिति की बैठक की गई, उसमें सभी को बताया गया कि ये इस तरह से रूट रहेगा, बाजार के मध्य किस तरफ से मूर्तियाँ सब एक तरफ से इकट्ठी होंगी पहले रामलीला मैदान में, उसके पश्चात बाजार का भ्रमण करेंगी, झांकियां चल समारोह होगा, उसके पश्चात एक क्रम से सारी मूर्तियां एक तरफ से होते हुए विसर्जन पिंड जहां यहां बनाया गया है वहां पर विसर्जन हेतु आएंगे। अभी तक वर्तमान में लगभग 34 मूर्तियों का विसर्जन किया जा चुका है और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अभी भी 8-10 मूर्तियाँ विसर्जन हेतु शेष हैं, अभी हो जाएगा। हम लोग जहाँ तक है आधे घंटे में सारी मूर्तियाँ विसर्जित हो जाएंगी और इसके पश्चात हम लोग रामलीला मैदान पर रावण दहन हेतु सारे लोग उपस्थित होकर के नव दुर्गा उत्सव की जो समाप्ति का आज दिन है दशहरा पर्व का, उसको हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। इसी के साथ मैं सभी अपने नगरवासियों को दशहरा की उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। नौरोजाबाद से अनिल मिश्रा की रिपोर्ट।